हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हमको भी आपको वीडियो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, हमारा मशीन चला था लेकिन अचानक क्या हुआ, इसका फ्रीव्हील जो चक्का बोला जाता है वो फ्री हो गया है। फ्री हो जाने से हमारा चक्का घूम रहा है लेकिन मशीन का कोई भी पार्ट्स नहीं चल रहा है। जैसे ये हमारा सुई रड है, ये भी अप डाउन नहीं हो रहा है, माने मशीन का कुछ भी पार्ट्स फंक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये स्लैक हो गया है। मशीन तो चल रहा है लेकिन ये फल्स चल रहा है, तो इसको कैसे हम ठीक करेंगे, आइए आपको शॉर्टकट वीडियो से हम आपको दिखा रहे हैं। आप हमारा वीडियो पूरा देखिए, छोटा वीडियो है, अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आइए आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको हम शॉर्टकट में आपको ठीक कर लेना है। तो इसमें कुछ नहीं हुआ है लेकिन आप इसी के लिए मैकेनिक के पास जाते हैं तो मैकेनिक बोलता है कि ये खराब है वो खराब है, लेकिन आपका मशीन ओके है, खाली ये आपका स्लिप हो गया है। इसको कैसे ठीक करेंगे तो देखिए, इसको हम बोलते हैं स्टॉप मोशन। इसके अंदर में वाशर है जो कि ये हमारा लूज हो गया है, और इसका अंदर में जो वाशर है इसको भी खोल लीजिएगा। और ये देखिए फर्श घूम रहा है, इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, वाशर में लक लगा है दोनों साइड से, तो ये लक के लिए बना हुआ है, इसको दोनों साइड से इस पर रख दीजिएगा। और ये स्टॉप मोशन है, इस पर लगा करके घुमाइएगा, अंपुश में थ्रेड रहता है वो टाइट कर देता है। देखिए इसको हमने टाइट कर दिए हैं, इसको अच्छी तरह से टाइट कीजिएगा। अगर हाथ से टाइट नहीं हो रहा है तो थोड़ा ऐसा पंच लीजिएगा और हथौड़ी लीजिएगा, ये होल पर लगा के बाएं से दाएं थोड़ा इसको हल्का मार दीजिएगा। मार देने के बाद में आप क्या कीजिएगा, अगर आपके पास स्क्रू है तो इसको टाइट कर दीजिएगा, नहीं है फिर भी चलेगा। देखिए इसको हमने लगा दिए, इसको हम फुल टाइट कर दिए हैं, अब मशीन चला के देख रहे हैं कि देखिए अब ये हमारा टाइट हो गया है, तो ये हमारा सुई का रॉड भी चल रहा है, लबलबी भी चल रहा है, माने मशीन का हर पार्ट फंक्शन करने लगा है। ये जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया, सिर्फ 2-3 मिनट लगा है और कुछ नहीं लगा है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी वीडियो बनाने में हमारा भी मन लगा रहे, आप लोग का आशीर्वाद भी बना रहे। थैंक यू।